नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो गया है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है कर्नाटका में बीजेपी की जीत के बाद सिर्फ 3 राज्यों में रह गई कांग्रेस, पंजाब, पुद्दुचेरी और मिजोरम। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कर्नाटक में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जनता दल सेकुलर से हाथ मिला ली होती तो ये नतीजे नहीं होते। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद साफ हो गया है कि कर्नाटका की जनता ने सिद्धारमैया सरकार को नकार दिया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने तुच्छ राजनीति चलते हुए जेडीएस नेता कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद का दिया लालच, और लालच में फंसकर कुमारस्वामी ने राज्यपाल के पास जाकर कांग्रेस की चिट्ठी देते हुए सरकार बनाने का दावा किया पेश। उधर नतीजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट येदुरप्पा ने भी राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा वक्त और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है कांग्रेस द्वारा कर्नाटका में येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के कवायद के तहत जेडीएस को दिए गए मुख्यमंत्री पद के ऑफर के बाद कांग्रेस के लिंगायत विधायकों ने बगावती सुर अख्तियार लिया है। ये विधायक भाजपा को कर सकते हैं समर्थन। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनके सलाहकार इवंका ट्रंप ने यरूशलम में किया अमेरिकी दूतावास का उद्घाटन। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की जीत से सुनिश्चित हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी कश्मीर मुद्दे पर मुखदर्शक बनकर बैठे हैं। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है शिवसेना ने औरंगाबाद मामले में फडणवीस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संघर्ष पहले ही तय था। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी को सौदागर कहने वाले हमें राजनीतिक पाठ ना पढ़ाएं, पहले मनमोहन सिंह अपने गिरेबान में झांक कर देखे। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है यूपी सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह अचानक सिंचाई विभाग पहुंचे और देर से आने वाले कर्मचारियों की जमकर ली क्लास। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बंगाल में ममता सरकार की आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने की मांग की। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि कमेटी बनाने के बाद भी एनडीएमसी में कैमरे लगाने का काम रोक दिया गया है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है तेज प्रताप की शादी में निमंत्रण न मिलने से नाराज पप्पू यादव ने कहा कि वे यादव नहीं बल्कि पैदाइशी इंसान हैं और शायद इसीलिए लालू परिवार ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया होगा। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में फैसला सुनाते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी ठहरा दिया है, लेकिन उन्हें जेल ना भेजकर उन पर रुपयों का जुर्माना लगाया है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है 16 मई को सलमान खान अभिनीत फिल्म रेस 3 का ट्रेलर होगा रिलीज। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है केविन ओब्रॉन ने पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक लगाकर रचा इतिहास। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपना 91वां जन्मदिन मना रही है और इस अवसर पर उनके फैंस उन्हें दे रहे हैं बधाइयां। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है अभिनेता ऋषि कपूर ने 102 नॉट आउट की सफलता पर मीडिया से
रूबरू होते हुए कहा कि मुझे हीरो हीरोइन के बाप बनने का रोल नहीं करना। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, पीठ दर्द की शिकायत के कारण दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हुए एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर संसद मार्ग एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के अध्यक्ष वासुदेव दास को थाना प्रभारी द्वारा मारपीट करने पर माफी मांगने और झूठा मामला वापस लेने की मांग की। सर मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा ऊपर इंजाम लगी है मैं बेल पर, तब से मैंने मांग पा रहा हूँ अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से लेके एसएचओ तक मांग कर लिया, मेरे ऊपर जो जांच लगी है कैसे जांच करा जाए। मेरा ऊपर संघर्ष रहा हमारा, राष्ट्रपति से लेके, गृह मंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, अमूल्य पटनायक दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेके और सेंटर दिल्ली के कमिश्नर डीसीपी से लेके सारे अधिकारियों को मैंने लेटर दे रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जांच का शेड्यूल नहीं आया। कंप्रोमाइज के लिए, धमकियों के लिए तो मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा कि हम जांच चल रही है हमारी, कौन सी जांच एजेंसी है, कितने लोग हमारे उसमें भागीदारी होंगी, जो पता लगे मुझे भी कब जांच हुई है, कब खत्म होगी, कौन इसमें लिप्त पाया गया है। झूठा आरोप लगा के पुलिस कानून जो अपने आप को रखवाला समझती है, वो हमारे राष्ट्रीय झूठा आरोप लगा के 24 तारीख को झूठ मूठ का हमारी गाड़ी बंद करवा दी, इनको थप्पड़ मारा, मार पिटाई किया, इसलिए हमें जब मालूम चला कि ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है तो आज हम हमारे समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप भी रह सकें अपडेट।